हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीस ऑनलाइन लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय संचालन समिति बकरू पारा जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा विज्ञापन जारी हुई है उसके बारे में। ये जो विज्ञापन है प्रतिनियुक्ति हेतु यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, ये केवल नियमित कर्मचारियों के लिए है, यानी कि जो शासकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं केवल वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रतिनियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय नारायणपुर में प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक संवर्ग कर्मचारियों भरे जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। ये जो है हिंदी माध्यम विद्यालय नारायणपुर में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय के शेष पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.narayanpur.gov.in, ये जो है वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आप वहाँ पर भी जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको सेम पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी गई है। अब देखते हैं इच्छुक यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको जो है 15 सितंबर 2022 शाम 5 बजे के पहले पहले तक अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने का माध्यम है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म साथ में अपने सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लिफाफे में बंद कर यहाँ पर जिस पते पर मंगाई गई है उस पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा 15 सितंबर 2022 तक। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आपको जिस पते पर पोस्ट करना है उसका नाम है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर। आगे देखते हैं, यहाँ पर पदों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये जो है हिंदी माध्यम विद्यालय बखरूपाला के लिए है। पद का नाम है व्याख्याता, विषय है अर्थशास्त्र भूगोल वाणिज्य। इसके लिए यहाँ पर एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता यहाँ पर दी गई है। व्याख्याता पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित विषय में व्याख्याता मूल पद पर शासकीय विद्यालय में कार्यरत होना अनिवार्य है, साथ में बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षक के पद के लिए विषय है गणित, के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। इसमें शिक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित विषय में शिक्षक मूल पद पर शासकीय विद्यालय में कार्यरत होना अनिवार्य है, साथ में बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। इसमें प्रधान पाठक पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित प्रधान पाठक प्राथमिक शाला मूल पद पर शासकीय विद्यालय में कार्यरत होना अनिवार्य है, साथ में बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भौतिकी के लिए एक पोस्ट है। इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पर अर्हता मांगी गई है। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित विषय में सहायक शिक्षक प्रयोगशाला मूल पद पर शासकीय विद्यालय में कार्यरत होना अनिवार्य है, साथ में बीएड, डीएड या डीएलएड या समकक्ष का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। और यही अर्हता आपको रसायन विषय के लिए प्रयोगशाला सहायक के लिए भी मांगी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यायाम शिक्षक के लिए, व्यायाम शिक्षक के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। व्यायाम शिक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित व्यायाम शिक्षक मूल पद पर शासकीय विद्यालय में कार्यरत होना अनिवार्य है, साथ में बीपी एड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। ग्रंथपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित ग्रंथपाल मूल पद पर शासकीय विद्यालय में कार्यरत होना अनिवार्य है, साथ में बीलिप या बीलिप और बीएड डीएड डीएलएड होना अनिवार्य है।
आगे देख लेते हैं, सहायक ग्रेड थ्री के लिए एक पोस्टर निकाला गया है। यहाँ पर सहायक ग्रेड थ्री के पद पर प्रतिनियुक्ति है तो संबंधित सहायक ग्रेड थ्री मूल पद पर शासकीय विद्यालय में कार्यरत होना अनिवार्य है, साथ में मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा व हिंदी टाइपिंग में दक्षता होना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं, चयन प्रक्रिया है तो नियम एवं शर्तें, यहाँ पर जो है निर्धारित पदों है तो आवेदक का मूल पद समकक्ष होना अनिवार्य है। वांछित न्यूनतम योग्यताधारी ही विज्ञापित पदों पर आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि यह जो है प्रतिनियुक्ति के माध्यम से यह इन पदों को भरा जाना है। और आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2022 को आवेदक की आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं प्रमाणित कर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक लिफाफे में भर कर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से, मतलब स्वयं आप कार्यालय में जाकर भी जमा कर सकते हैं। कार्यालय है जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कक्ष क्रमांक 74 में 15 सितंबर 2022 शाम 5:30 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद अगर आप 15 सितंबर शाम 5:30 बजे के बाद आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको ऊपर बताई जा चुकी है, एक बार और बता देती हूँ, narayanpur.gov.in। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन भी इसी PDF में प्रोवाइड कर दिया गया है, एप्लीकेशन भी आप सेम लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। यह है एप्लीकेशन का प्रारूप, इसमें विद्यालय का नाम मांगा गया है, उस कौन से पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखना होगा, अपना पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपको लगाना होगा और मांगी गई सभी जानकारी आपको फिल करके इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, एक लिफाफे में बंद करके जिला शिक्षा अधिकारी जो पता दिया गया है उसमें आपको स्पीड पोस्ट यहाँ पर करना होगा। और आप स्वयं कार्यालय में जाकर भी ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिएगा, इसका जो लास्ट डेट है 15 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक का रखा गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं डेली यहां पर जॉब की जो अपडेट है आपको अपने चैनल पर देती रहती हूं, डेली आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी न्यू जॉब की। और अगर आप किसी कारण से YouTube नहीं देख पाते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।